के कवि सम्मेलन की विशेषता ये रही से कि यमन मोर कलर से बहुत चिढ़ थे, रंग से बहुत चिढ़ थे। मोर पत्नी आए है, बैठे है, जब वो खुश होते तो किठे तय मोर सोनास, तय मोर चांदीस, तय मोर मोतीस, तय मोर धनस। और मोदी जी कहते काला धन जब्त हुई, और अब कहते जब्त भी हुई और सार्वजनिक भी हुई। मैं बताऊं, मैं रामलीला में 10 साल पाठ करें, मैं 6 साल राम बने, 4 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में 2 साल सीता भी बने। सीता हरण के दिन रावण आईस मोला देखीस तो आइडिया ड्रॉप कर दिस, इसको क्या ले जाना। मैं कहे उनका खाली हाथ कहाँ पर जा था, फ्यूल जले है ले जा ले, माने पर तैयार नहीं है। और काय छत्तीसगढ़िया बहुत जल्दी टेंशन में आते, मैं तो बताया ना लादेन मरीस, मैं टेंशन में आ गया, लादेन मरा कैसे। मैं फोन लगाया अनिल अग्रवंशी, लादेन मरा कैसे, बोली बराक ओबामा के पास सेटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से न मैं नहा सक रहा हूँ, न सो सक रहा हूँ। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। ताली बजाओ, सांस लेना है। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगता, बहुत सरल शब्द में बनता है। जैसे बच्चों के नर्सरी में केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ दो, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। बड़ा संकट होता। एक सुरेंद्र दुबे नाम का कवि था, मंच जानता है, 1 जनवरी को उसका निधन हुआ। मेरे साथ भी कई बार मंच पढ़े, निधन हुआ तो विकिपीडिया ने सोशल मीडिया में मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और सही घटना बता रहा हूँ बिल्कुल। मैं सुबह सो के उठे तो मोर दुआरी में गमछा टावल लिए 200-300 आदमी खड़े रोवत रहे, कहा हो गए, सुरेंद्र दुबे निपट गए भैया, बहुत हसात रही भैया, सुरेंद्र दुबे निपट गए। चुप साले, ये हास्य का कुकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बेबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक मोर बाई फोन करी, सुरेंद्र दुबे जी निपट गए, मोर बाई की ही ऐसा, हमार भाग्य कहाँ है बाबू। रात के आए है, जिमी कंदा खाए है, मुनगा ओकर पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं है ओके रोगा, टाइगर अभी, टाइगर दोनों हाथ उठा के, टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा है। तय कैसे खड़े है बाबू, लकड़ी टाल वाले हो, 2 क्विंटल लकड़ी मर घट्टी में डाल के आए हूँ 1650 रुपया के, अब तय नहीं जरबेत कौन जरही, मर घट्टी के लकड़ी वापस भी नहीं आए। तो मैं कहे तो 1650 पर मर जाऊं, साले ये हास्य के कोकड़ा है, ठहाका के परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक तरह कैसे खड़े बाबू, पॉलीथीन का रखे, पॉलीथीन में लोटा है, लोभान है, घी है, तोर कपाल क्रिया के पूरा सामान है, 650 रुपया में ले हो, नॉन रिफंडेबल है, तो का करबे, तो मर जाऊं मैं कपाल क्रिया पर। अबे ये हास्य का कुकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा है, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं। ये बहनें बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, अरे ये राखी के रक्षा सूत्र, भाई दूज के टीकाए, तीजा के कहनी है, अरे वो भाई का मरीज करते ककन बहनी है।
ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। अभी बहुत बढ़िया कविता ये पढ़ें, और बार बार हम कहते रहें कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और पूरा देश जतका बैठे हैं यहाँ, बड़े आदरणीय राधा जी बैठे हैं, सब बैठे हैं, कार्य इंतजाम में बैठे कि बैठे हैं, तो हाँ इसे थोड़ी भी सब बैठे हैं, ये सब बोलते हैं दिन में 20 बार टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है टाइम नहीं है, पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 130 करोड़ हो गई, ताली बजाओ सांस लेना है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं और हमारी आबादी 130 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं। अभी जब हम अंदर घुस रहे थे, गौरी अंदर आई तो ये मारवाड़ी मिल गया मेरे को। अग्रवाल बोले छोरी कौन है, मैं बोला छोरी नहीं है, लुगाई है, थे चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा की लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाऊं। थारी बात सही है, पर मारे पास चश्मा लगाने रो भी टाइम टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। आप कभी रायपुर कभी दुर्ग आओ, आप आते रहते हो खरियार, एक आध बार दुर्ग टाइम लेके आओ। सरोज पांडे इतना बढ़िया मरघट्टी बनवाई है शमशान घाट, भगवान कसम देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरा में ग्रेनाइट, ये अनिल अग्रवंशी गया बोले क्या चबूतरा है, मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं। मैं खरसियाँ जब नौकरी मेरी नहीं लगी थी, भी बहुत सारे लोगों का तो जन्म नहीं हुआ था, तब मैं लेलुंगा आया था और मुर्गी फार्म का मैनेजर बन के प्राइवेट नौकरी में। और दो दिन बाद एक आ गया, बोले मुर्गील का खवा थस, मैं बोले मुर्गील का आ गया, इसने काजू किशमिश बादाम छुहारा। बोले इसी के कारण रेट बढ़ गया है, 10,000 रुपया जुर्माना। फिर दूसरे दिन दूसरा अधिकारी आ गया, मुर्गी क्या खिलाते हो, कुछ नहीं यही गोबर कचरा, इसी के मारे की मुर्गी बीमार पड़ रही है, 10,000 रुपया जुर्माना। बड़ा अजीब यार। दो चार दिन बाद फिर एक आ गया, मुर्गी क्या खिलाते हो, कुछ नहीं खिलाओ, 1-1 रुपया देते था मधुप्रियम जा खा के आ जाते। कहा कर भाई टाइम नहीं है, जेल देख भी टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां सड़क में चलते हैं, माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते। दो लड़कियां जा रही थी आपस में बात करी, तेरा कौन सा है, तेरा कौन सा, बोले S7। तेरा, बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से इनके ऊपर गिर गया, बोले हट, 3210 नोकिया। ताली बजाओ सांस लेना है।